हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और बस यहाँ पे जो लंच बनाने की तैयारी चल रही है, और यहाँ कुकर में आप लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ बन रही है दाल, उड़द और चने की दाल मिक्स करके बना रही हूँ। और यहाँ पे बन रही है तोरी की सब्जी, और मिर्च और टमाटर वाली जो चटनी होती है ना, अगर घर में कभी आपके सब्जी ना हो तो आप इस टाइप की चटनी बना सकते हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये तो ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। इसमें मैंने क्या क्या डाला था, इसमें मैंने डाला था प्याज, मिर्च, टमाटर, और चाहे तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी गर्मी है तो इसी वजह से जो है ना, मैंने अदरक वगैरह नहीं डाला, वरना अदरक वगैरह भी इसमें अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से हमारी चटनी बनती है, और नमक मिर्च डाल दो, ठीक है, तोरी बन रही है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कल जो केक बनाया था ना, वो केक यहाँ पे बच गया, और वाकई में बहुत ही स्पॉन्जी केक बना था, देख ही सकते हैं आप लोग। अभी तो ये थोड़ा वैसा हो गया है, कल तो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी था, ऐसे ही टूट रहा है, देखो ऐसे ही टूट रहा है। बहुत अच्छा केक बना था, तो वैसे तो दोनों केक ही खिल गए, बस ये बचा है थोड़ा सा, तो ये भी खिल जाएगा। और अच्छा जी, आप लोग क्या बना रहे हैं खाने में वो मुझे कमेंट करके बताएं। हे गाइस, सो बस अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैंने फैन भी ऑफ करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को तक मेरी आवाज़ अच्छे से पहुंच सके। गाइस, अभी सुबह तो ठंडा सा मौसम हो रहा था, लेकिन अभी जो है ना, धूप निकल आई अच्छी खास। और मुझे ना आप लोगों से एक सलाह लेनी थी, क्योंकि आपसे अच्छी सलाह कोई दे ही नहीं सकता है मुझे। मुझे ना अपने ब्लॉग के अंदर कुछ ऐसा नया ट्विस्ट लेकर के आना है। मुझे मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई चैलेंज करूँ अपने आप से, जैसे कि बहुत सारे चैलेंज होते हैं, आप लोगों को पता है कि जैसे कि 24 आवर्स चैलेंज, मैगी चैलेंज होता है, या फिर अल्फ़ावेट चैलेंज होता है, या फिर पोटैटो चैलेंज होता है, मतलब 24 घंटे आपको पोटैटो ही खाने हैं, या फिर 24 घंटे आपको मैगी ही खानी है। काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ग्रीन कलर वाली कोई भी फूड होते हैं तो वो रहता है, या फिर येलो कलर, या फिर रेड कलर, ऐसे कोई कई चैलेंज रहते हैं। आप लोगों ने भी वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अपने ब्लॉग के अंदर कुछ चेंजेस लाने चाहिए। हाँ, हालांकि रेसिपीज़ वगैरह मैं आप लोगों को देती रहूँगी बीच बीच में, लेकिन मैं अपने ब्लॉग के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहती हूँ। तो गाइस, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे या नहीं वो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आपसे ही मेरी हिम्मत बढ़ती है, आप ही मुझे सपोर्ट करोगे तो ही जाके मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। तो गाइस, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और मुझे बताइए, मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं किस टाइप के चैलेंज अपने साथ में करूं, क्योंकि मैंने कुछ कुछ दो चार चैलेंजेस मैंने सोचे हैं। मैंने एक तो मैंने ये सोचा है कि एक वो साड़ी वाला जो चैलेंज होता है ना, कि 24 आवर्स, मुझे 24 तो खैर नहीं, एक ब्लॉग आप लोगों को साड़ी में ज़रूर दूंगी, कि मैं साड़ी में सारे काम कर सकती हूँ या नहीं, संभाल भी पाती हूँ या नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है साड़ी तो मैं पहनती भी नहीं हूँ ज़्यादा, एक दो बार ही पहनी होगी आप लोगों के सामने। लेकिन ऐसा कुछ मैं नया करने वाली हूँ, सोच रही हूँ, अगर आप लोग मेरा साथ दें तो ठीक है। और आप लोग भी मुझे सजेशन देना कि मैं किस टाइप के चैलेंज करूँ अपने ब्लॉग के अंदर। कोशिश तो हम देखो सभी करते हैं, है ना, अच्छे से अच्छा करने की, लेकिन बस वही है ना कि पसंद आने के ऊपर, सबकी पसंद अलग अलग होती है। हाँ जी, तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कौन सा चैलेंज करूँ, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सब्जी को देख लेते हैं, सब्जी हमारी कहीं जल तो नहीं रही। सो गाइज, आज मेरी जो फ्रेंड है, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, तो उनका नाम है सना अंजुम, उनका आज एनिवर्सरी है, तो आप लोग भी उनको विश कर दीजिए। और बस मेरी तो दुआ अल्लाह ताला से यही है कि अल्लाह ताला उनके जोड़े को सलामत रखे, और उनकी सारी जायज़ दुआओं को कबूल करे, आमीन सो आमीन। वो हमेशा ऐसे ही खुश रहें, मुस्कराते रहें। तो अभी मैं अपनी दाल को जो है ना तड़का लगा रही हूँ, दाल बन चुकी है, मतलब अपनी दाल का नहीं, दाल बन चुकी है उसको तड़का लगा रही हूँ। यहाँ पे टमाटर मिर्च वगैरह का जो तड़का लगाया जाता है वही दाल फ्राई में, तो बस अभी वो तैयार हो रहा है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे ये दाल के लिए तड़का तैयार हो रहा है, ये दाल हमारी बन चुकी है।
कूलर पानी का सामान रखा था, कूलर के अंदर पानी भर गया और क्या। ओह माय गॉड, एसी का पानी भर गया, ये तो इतना ज्यादा भर गया पानी। हाँ। तो ऊपर से वो कहीं है क्या, लेजम वगैरह, लेजम का पानी आ रहा है इसमें, हमें साफ करना पड़ेगा। तो ये पानी अंदर कैसे चला गया, टटिया के पास टच हो रही थी ना ये। अच्छा। इसकी जो पाइप, अगर ऊपर भी होता तो इतना छोटा सा छेद है ये, तो ये सारा सामान गीला हो गया फिर तो। सारा सामान गीला हो गया, वीडियो में मत दिखाओ, लोग कहेंगे इसको भी तुमने स्टोरेज बना दिया। क्या करें, जगह ही नहीं है हमारे पास। चलो फिर रखते हैं, अभी थोड़ा सा सूखने दो इसको। कौन पे सब सामान सूख रहा है, कल रखेंगे, तब तुम इसको साफ कर दूँ, ठीक है। पानी खाली करना पड़ेगा कूलर को। सो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे ये फ्रेंच फ्राइज, और आज पता है सारे काम करने के बाद में मेरे को इतनी ज़्यादा थकान हुई ना, बहुत ही ज़्यादा, हाथ पर इतने ज़्यादा दर्द कर रहे थे। तो फिर मैं जैसे ही लेटी और फिर मैं सो गई थी, और अभी जाके मैं उठी ना तो सोचा चलो कुछ बना लेते हैं खाने के लिए, शाम के टाइम में आप लोगों को पता है कुछ ना कुछ लगता ही है। तो मैंने सोचा कुछ नहीं है तो फिर बना ही लेते हैं, हम फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं आज। आलू गोल गोल वाले आलू हैं, ज़्यादा लंबे वाले आलू नहीं हैं, वैसे ही बनेंगे। ज़्यादा अच्छे से शेप तो नहीं आ सकता, लेकिन कोशिश मैं करूँगी शेप लाने की। अच्छा, आप लोगों को भी शाम के नाश्ते में कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, जैसे चाय के साथ में, चाय तो हम लोग नहीं पीते हैं तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि चलो कुछ ना कुछ ऐसा बना लिया जाए। अच्छे से छील लिया, ये चार आलू लिए हैं मैंने यहाँ पे, पहले जो ना हमारे पास वो था इसको कट करने वाला, लेकिन अभी पता नहीं मिल नहीं रहा है, वो कहाँ चला गया है। उससे बहुत अच्छे शेप आता है इसका। इसको एक बार पानी में डाल देते हैं ताकि इसका पूरा स्टार्च निकल जाए अच्छे से, फिर इसको पानी में थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। ये आप देख रहे हो, ये हमने कुछ इस टाइप से इसके पीसेस करे हैं, ये देखो, ये और इसको तीन चार बार पानी से अच्छे से धो लिया, और इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे, ज़्यादा नहीं। बॉईल करना है इसको थोड़ा सा, ये सारे आलू हमने अभी स्ट्रेन कर लिए हैं, इसका सारा पानी निकाल दिया है, और हमने इसको पानी में सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रखा था और तुरंत हमने स्ट्रेन कर लिया इसका पानी। ये देखो, मैं इसका पानी किस तरह से सुखा रही हूँ, इसका पानी अच्छे से सूख जाए। और यहाँ पे देखिए, ये मैं थोड़ा सा जो है, मैंने कॉर्नफ्लोर देखा घर में तो कॉर्नफ्लोर था ही नहीं, खत्म हो चुका है, तो ये देखो मैंने पैकेट जस्ट अभी डाला है, और अभी मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है इसके ऊपर, और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और ये देखो कितना अच्छा सा कलर आया ना इसके ऊपर, तो इसमें लग गया है कलर, थोड़ा सा फूड कलर डाला है, और ये डाला है मैदा, और ऑयल भी हमारा हो गया है गरम। अभी हम डाल देते हैं इन सब को इसके अंदर। तो देखो अभी ये इतने फ्राई हो चुके हैं एक बार, और अभी हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल निकाल लेते हैं क्योंकि और भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं।
ये एक बार फ्राई होके निकल चुके हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारे ये जो फ्रेंच फ्राइज है ये डबल फ्राई हमने कर लिए हैं। एक बार हमने पहले निकाल लिए थे 2-3 मिनट ऑयल में करने के बाद, और अभी हमने फिर से दोबारा से किया। ये देखो आवाज़, देखो आप आवाज़ आ रही है ना क्रिस्पी वाली। चलिए गैस बंद कर देते हैं। अब हमारे ये सारे जो फिंगर फ्राई हैं वो हो चुके हैं, इसमें डालते हैं। तो फ्रेंच फ्राइज तो हमारे बनके तैयार हैं जी, और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे मोमोज वाली चटनी, तो उसके साथ में मुझे खाने हैं ये, तो वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 6 से 7 मेरी लाल मिर्च ले ली है खड़ी, अगर मुझे ज़्यादा लगेंगी तो इसमें से कम कर लूँगी, अभी मैंने अंदाज़ा नहीं किया था, मैंने ऐसे ही डाल दिया था। अभी थोड़ा सा इसको बॉयल होने देंगे। तो ये बन गई हमारी मोमोज की चटनी। तो ये हमारी फ्रेंच फ्राइज और मोमोज की चटनी तैयार है। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ में खाने के लिए, और घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, मार्केट जैसे बिल्कुल। आज तो मेरी चोटी वगैरह भी निकली, आज तो ऐसे ही निकल गई। आज कितनी पतंग काटी? 8 पतंग। तो गाइज़ अभी रात के हो रहे हैं, 9 बज रहे हैं, और मुझे ना सुबह से ही मैं सोच रही थी कि मुझे हेयर कट्स करने हैं मेरे अपने, तो बस मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया, फिर मैंने सोचा कि चलो अभी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं अपने हेयर कट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल ना 2 मुहे बाल हो गए हैं और ऊपर से बिल्कुल मतलब नोके नोके सी निकल आई, तो बस वही कट करने वाली हूँ आज मैं। तो बस यहाँ पे देख लो, मैं स्ट्रेप कट करने की कोशिश कर रही हूँ आज, तो क्योंकि मैंने पहले भी किया हुआ है ना, तो मेरे बहुत अच्छे बाल हुए थे अपने आप से। और बस यहाँ पे देखो मैंने ना 3 चोटियाँ बना ली हैं, एक फ्रंट पार्ट, मिडल पार्ट एंड थर्ड पार्ट जो होता है, तो 3 चोटियाँ मैंने बनाई हैं, आप लोगों को दिखा भी रही हूँ यहाँ पे। तो तीनों इस तरह से बना लेनी है, एक जैसे बाल लेने हैं ज़रूर, और बिल्कुल भी बाल इधर से उधर नहीं होना चाहिए, वरना आपके बाल जो है ना ख़राब हो जाएंगे। ये मैंने 3 चोटी बनाई है, उसके बाद में मैं अभी इनको अच्छे से सबसे लास्ट वाली जो चोटी है ना मेरी, पहले सबसे पहले मैं उसको कट करूँगी, उसका जो नौके हैं सबसे पहले मैं उसको छाटूँगी, और एकदम आपको जो है ना ये देखो कितने ज़्यादा नौके निकल रही है ना, और ये मेरे डैमेज्ड बाल हैं बिल्कुल। मैं सोच रही थी थोड़ा सा और ऊपर से कट करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा बहुत छोटे छोटे से बाल हो जाएंगे मेरे, फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना बिल्कुल थोड़े थोड़े से कट किए हैं और इसके नौके छाँट दिए हैं, और उसके बाद में जो इसका जो वो करते हैं ना नीचे से कट लगाते हैं इसमें, तो वो मैंने लगा दिया। अब मैंने ले लिया अपनी ये 2nd चोटी, तो इसको भी हम ये डैमेज्ड बाल हटा देंगे, बिल्कुल सीधा सा कट करना है। तो ये स्टेप कट कर रही हूँ मैं, पता इस टाइप से अगर आप चोटी बनाएंगे ना तो वाकई में स्टेप कट हो जाएगा, जैसे लेज़र कट भी बोलते हैं बहुत से लोग, तो स्टेप बाय स्टेप कट होते जाते हैं, पहले सबसे छोटे फिर उससे बड़े फिर उससे बड़े, सो वो हो जाता है। और सबसे आगे से मैं कर लूँगी लेज़र कट, तो और भी ज़्यादा बाल अच्छे लगने लगेंगे। तो अभी ये स्टेप कट चल रहा है, तो सबसे फर्स्ट वाली जो मेरी चोटी थी उसको भी मैंने कट कर लिया। अभी मेरे बाल जो है ना थोड़े से ठीक नहीं है, बाल वैसे धुले हुए तो हैं लेकिन फिर भी मैंने कर लिए थे अपने, और जब मैं 2nd डे आप लोगों को सही तरीके से मैं दिखाऊंगी कि मेरे बाल कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे कटिंग होने के बाद में, अभी तो ये थोड़े से मुड़े मुड़े लग रहे होंगे क्योंकि मैंने बालों को स्ट्रेट भी नहीं किया है, और कटिंग करने के बाद में जब हम मशीन वगैरह लगा लेते हैं बालों में तब जाके कटिंग जो है ना हमारी अच्छे से दिखाई देती है। और बस यहाँ से अभी हमारे जो है ना बाल भी कट हो चुके हैं, स्टेप कट हो गई है, अभी मैं कंघा कर लेती हूँ अच्छे से। तो आप लोग भी घर में इस तरह से कर सकते हैं, बहुत अच्छे कट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी किए हैं अपने बालों को इस तरह से कट, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को कि मेरे बाल देखो कितने अच्छे तरीके से कट हुए हैं। सो गाइज़ आज मैं अपने हस्बैंड के साथ में थोड़ा सा मजाक करने वाली हूँ, मैं उनको अभी तो वो बाहर चले गए हैं, तो मैं उनको दिखाऊंगी अपने बालों को फोल्ड कर लूँगी पहले अच्छी तरह से, फिर उनके साथ में थोड़ा सा मस्ती और मजाक करने वाले हैं हम, और बस बालों को फोल्ड करके बॉब कट जैसा बना लूँगी और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। तो आप भी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि हमने क्या क्या किया था। अब सो गाइस अभी तक तो ये आए नहीं हैं, तो मैं अपना ये सर पे दुपट्टा रख लेती हूँ ताकि उनको पता ना चले, और बस हम के आने का थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी तक तो खैर आए नहीं है वो।
उनके साथ में एक छोटा सा प्रैंक भी होने वाला है आज, शायद मुझे ऐसा लगता है। सो गाइस, यहाँ पे मैं लेकर के आई हूँ, ये मम्मी जी की चोटी है जो कि काफ़ी टाइम से रखी हुई थी ऐसी, तो बस मैं ये लेकर के आई हूँ। और इसी चोटी से मैं इनके साथ में एक प्रैंक करूँगी, मैं उनको ये एक चोटी दिखाऊँगी। देखो मैंने अपने ना बाल कट कर लिए हैं, तो फिर ये इनका क्या रिएक्शन होता है ये देखते हैं, ठीक है। अभी तक तो ये आए नहीं है, देखते हैं। अभी मैं जल्दी से छुपा देती हूँ पहले चोटी को। तो गाइस ये आ गए हैं, अभी मैं गेट खोल देती हूँ जल्दी से। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, देखो मैंने अपने बाल काट लिए। पागल हो गई क्या? देखो ये चोटी भी है, ये चोटी कैसे लग रही है मेरे ऊपर? बिल्कुल बेकार। क्यों? कौन गई थी यार, इतने अच्छे बाल काट दिए यार तुमने यार, हट। नहीं क्यों? पागल हो? तो गाइस ये तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया, और गुस्सा होके ये चले गए हैं बाजे के कमरे में। अभी मैं उनको बुला के लेके आ रही हूँ और उनको बता देती हूँ सब कुछ सच सच। तो गाइस इनको तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया है, और ये बताए इतने ज़्यादा बेवकूफ़ बन गए, इनको समझ में नहीं आया कि मम्मी की छोटी नहीं पहचान पाए, नकली बाल नहीं पहचान पाए। बता, अरे यार तो तुमने एकदम छोटे छोटे दिखाए मुझे बाल एकदम, और इधर कहते हो मेरे बाल काट दिया, आदमी दे दी, लेकिन कर दिया। हम एक छोटा सा प्रैंक हो गया, वैसे मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं आपके साथ में प्रैंक करूंगी, लेकिन प्रैंक हो गया गाइस, है ना, ये प्रैंक हुआ ना। ये देखो चोटी इनके हाथ में। ये हमारे बाल अच्छे नहीं लग रहे तुमको? नहीं अच्छे तो लग रहे, ऐसे काश मैंने देखा तो तुम्हें ऐसे वो लग रही है तुम। हमने इतने छोटे छोटे बाल कर लिए हैं, ऐसे तो बहुत अच्छी लग रही, हम कहेंगे मेरा न्यू लुक चाची इसमें अच्छा नहीं लग रहा लेकिन। तो चलिए गाइस इस वीडियो का एंड यही कर देते हैं हम। मुझे नहीं पता था कि ये इतना गुस्सा हो जाएंगे मेरे इतने छोटे बालों को देखकर। ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे ये छोटे छोटे बाल कैसे लगे हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे फेस के ऊपर सूट कर रहे हैं या नहीं। वैसे मुझे पता है कि सूट बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि औरत की जो सुंदरता होती है ना उनके बालों से होती है, बाल अगर लंबे होंगे ना तो ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं वो। अच्छा, बाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे भी अपने बालों से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ऐसा तो मैं कभी करवा ही नहीं सकती हूँ। और तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, तो हमें ज़रूर याद रखें।